हाय एवरीवन, वरुण हियर एंड वेलकम टू थ्रिलर वंस। आज हम लोग काम करेंगे ऑन दिस फाइकस ट्री। गाइस, इस ट्री को मैंने लाया था हम जलाराम नर्सरी एंड मुझे इसको ट्रिकोन फाइकस ऐसे नाम से बेचा गया था। आई डोंट नो येट अबाउट दिस पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ फाइकस, नेट पे तो मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिले, सो आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट स्पीसीज। हालांकि इसके लीव्स रेटिव्स जैसे लगते हैं, बट आई एम नॉट वेरी श्योर। आई थिंक आई हैव टू सर्च मोर ऑन गूगल लेंस। बट फाइकस में बहुत ज्यादा स्पीसीज होने के कारण एग्जैक्ट स्पीसीज आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। अगर आप लोग को पता होगा तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि कौन सा वैरायटी है ये फाइकस का। आपको एक क्लोज अप व्यू दिखा देता हूँ इसके लीव्स का। ऑलमोस्ट रेट्यूसा जैसे ही है इसके लीव्स। सो आज हम लोग इसके ऊपर काम करने वाले हैं। इसको निकालेंगे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बोनसाई क्ले सॉइल एंड लगाएंगे बोनसाई पॉट में इन अ बोनसाई सॉइल ओनली ऑन थ्रिलर बोनसाई। गाइस स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, दिस इज अ बिग वन फाइकस। तीन ट्रीज थे इसमें, जिसमें से एक ट्री मर गया है। आई थिंक दिस वन इज डेफिनेटली नॉट अलाइव। अब देख सकते हो टूट रहा है। सो वी हैव लॉस्ट वन ट्री, बट वी स्टिल हैव टू मोर ट्रीज टू वर्क ऑन। सो आज हम लोग उनके ऊपर काम करने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर वीडियो गाइस। सो जो डेड है उसको हम लोग रिमूव करेंगे। लेट्स चेक इफ इट इज फुल्ली डेड, कि नीचे से कुछ साइंस ऑफ सर्वाइवल है। तो आप देख सकते हो कि इट्स फुल्ली डेड। यहाँ पे भी आप देख सकते हो टूट रहा है पूरी तरह से। सो इट्स डेड। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर आपको ये सर्वाइव कर रहा है वो देखना है, तो आप देख सकते हो कि इट इज़ ग्रीन फ्रॉम हियर, राइट। ये जो ग्रीननेस आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, वो ग्रीननेस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। सो दिस इज अ श्योर शॉट साइन दैट इट हैज नॉट सर्वाइव। देखो पूरा ड्राई है। एंड अगर आप उसको बैंड करेंगे नहीं, इसको टूट जाएगा ये देखो, ये वाला नहीं टूटेगा, फ्लेक्सीबल होगा। सो वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस ट्री एंड बाकी दो को रिपोर्टिंग करना है आज। मोस्ट परहैप्स इन दी सेम पॉट, मोस्ट प्रोबेबली दैट्स वॉट आई थिंक। Although we will see, depending on the root, we'll decide कि space है क्या enough एक ही pot में लगाने के लिए। सबसे पहले guys, इसकी जो soil है वो remove करनी है। So I'm just going to press it, आपको दिखाना चाहूँगा मैं, because it's a very flexible pot। So इसको press करो from all sides, ताकि soil loose हो from all the sides। Should be good now. So abhi we'll try to remove everything from this pot. Just like this. Yahan pe kuch dead leaves bhi hai. So I'm pulling it off. Ye aisa pura बाहर आ गया। ओके, सो दिस इज द पॉट। यू कैन सी इसका पूरा जो नर्सरी सॉइल है वो है। देयर आर सम इंसेक्ट्स, स्नेल है जो मेरे हाथ में लगा था। सो विल थ्रो दिस ऑफ, वी डोंट नीड दिस। सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस ट्री गाइस। सो एक बार फिर से मैं आपको इसका फोलियज दिखा देता हूँ, अगर आप इसको पहचान पाते हो तो। व्हाट आई थिंक इज दिस इज सिमिलर टू रेट्यूसा बट नॉट एग्जैक्टली। ट्रिकोन फाइकस करके उन्होंने मुझे बेचा था इसको, मुझे कुछ ऐसा नेट पे मिला नहीं। इट्स नथिंग लाइक ट्रिकोन फाइकस। ओके, सो चलिए अभी इसको रिमूव करते हैं, इस सॉइल को रिमूव करते हैं। सो देयर इज गोना बी लॉट ऑफ सॉइल आई थिंक। सीधा हम लोग बड़े वेसल में ही रख के सॉइल निकाले तो अच्छा है, यहाँ पे अच्छे से आएगा नहीं। सो आई एम गोइंग टू पुट अ वेसल हियर एंड उसके ऊपर प्लेस दिस ट्री लाइक दिस। सो जो सॉइल अपना रिमूव होगा वो अच्छे से वी कैन कलेक्ट इट नाइसली। सो वी कैन स्टार्ट रिमूविंग और रेकिंग ऑफ द सॉइल नाउ।
सो गाइज ये तीनों ट्रीज अभी सेपरेट होने लगे हैं. सो एज यू कैन सी दिस इज द वन विच इज डेड. उसको हम लोग पहले रिमूव कर देंगे. इसके रूट्स भी आप देख सकते हो, दे आर मशी एंड दे आर ब्रेकिंग ऑफ. सो दिस इज द क्लियर साइन दैट दिस इज डेड गाइज. आप देख सकते हो कि रूट से ही पता चलता है कि हॉलो हो गए हैं सारे रूट्स, मतलब दिस इज डेड. सो इसको पहले हम लोग रिमूव कर देंगे. वी हैव टू थ्रो दैट वन ऑफ. सो ये पूरी तरह से डेड है गाइज. जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द रीजन कि बाकी दो सर्वाइव किए बट ये नहीं किया. वॉट मस्ट हैव बीन द रीजन? इज इट बिकॉज ऑफ फ्रूट रॉट या गॉड नोस? हो सकता है रूट रॉट हो. एनीवेज वी डोंट केयर. एनीवेज वी हैव टू ट्रीज टू वर्क ऑन. सो इसको हम लोग फेंक देंगे. तीस टू ट्रीज इनको हेल्दी बनाना है अपने को. ट्राइंग टू सेपरेट आउट देम. सेपरेट फाइनली एक एक करके देखते हैं हम लोग. दीज रूट्स आर हेल्दी. आप देख सकते हो कि अंदर से ग्रीन दिख रहे हैं. सो दैट मीन्स दे आर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. सो अभी एक चीज है यहाँ पे. व्हाट इज दिस? आई डू नॉट नो. कुछ तो प्लास्टिक की चीज है गाइज. सी दिस इज स्ट्रेंज. एक प्लास्टिक की चीज़ है, कंटेनर टाइप है जिसमें से रूट्स बाहर निकल रहे हैं. आई डोंट नो व्हाट इज दैट बट वी डोंट नीड इट फॉर श्योर. समहाउ निकालना पड़ेगा अपने को उसको. सो आई नीड टू चेक इफ आई कैन जस्ट यू नीड रिमूव ऑफ. ओके कट तो हो रहा है इजीली. Go. यहाँ पे to be a bit careful. ये रिमूव हो गया है. स्टिल हैव समथिंग हियर. That's it. We have removed the plastic from here. So we soil bhi remove kar dete hain abhi.
done with one. So, एक और प्लांट है अपने पास, उसका भी रिमूव करना पड़ेगा. There are some long roots here. Tangle हो रहे हैं. So, we'll have to prune these roots off, of course. काफी लंबे roots हैं. उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे in some time. पहले दूसरे ट्री का भी हम लोग देख लेते हैं क्या करेंगे. तो इसमें भी वो प्लास्टिक का पॉट है. आई डोंट नो ये क्यों रखते हैं. लेट्स ट्राई टू रिमूव इट. This one has come off quite easily. चलो soil भी इसका remove करते हैं फटाक से. Okay, let's wash the roots now. वन बाय वन करते हैं. सो गाइस, फाइकस ट्रीज जो है वो जनरली हार्ड प्रूनिंग को भी अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं. सो वी आर गोइंग टू डू दैट. वी आर गोइंग टू ट्राई सम हार्ड प्रूनिंग हियर नाउ. आप देख सकते हो कि इसके जो रूट्स हैं दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग. सो हम लोग इसकी हाइट रिड्यूस करना चाहते हैं इस ट्री की. शैलो कौन सा पॉट में लगाने के लिए अबाउट ये मैं हाइट चूज करूंगा इस ट्री की. सो उस हाइट के नीचे जितना भी आपको रूट्स दिख रहा है वो सब कट हो जाएगा. ओके, सो हियर वी गो. स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूट से जो कि ये नीचे वाला है. आई वांट टू जस्ट प्रून दिस वन ऑफ रूट हियर. ऐसे ये सब जो बाकी के रूट्स है वो भी उसी हाइट पे हम लोग प्रून करेंगे. ऐसे And here we go. ये भी एक रूट है. प्रून होगा. Use this pruners. सही से कट नहीं हो रहा है. I think this root is kind of dead ऐसा लग रहा है. It's not looking that healthy. So इसको पेची से हम लोग काट देंगे. ऐसे. So this root is not looking that healthy. So there we go. And ये एक और रूट है जो काफी लंबा है.
That also needs pruning. Here. एंड बाकी के जो रूट्स है उसको थोड़ा प्रोफाइल प्रूनिंग देंगे, काफी टॉल है थोड़ा शॉर्ट कर देंगे. सो वी हैव रिड्यूस्ड अ लॉट ऑफ रूट्स ऑन दिस ट्री एज यू कैन सी. एक एरियल रूट है, इसको हम लोग ऐसे रहने देंगे. सो दैट्स व्हाट वी आर लेफ्ट विथ. सो बिकॉज हम लोग को दोनों जो प्लांट्स हैं वो एक ही पॉट में लगाने हैं. सो दैट इज द सेकेंड थिंग, वी वॉन्ट टू मेक एवरीथिंग फिट इन द सेम पॉट प्राइस. सो नाउ we take the second tree and start pruning that one off. So अभी इसका pruning का समय आ गया है guys. इसके roots जो है वो bend हो रहे हैं, as you can see here they are getting bent. So we don't want anything to get bent like this. So उसको हम लोग ऐसे ही prune कर देंगे. About here wanted to grow straight. ये एक है root जो काफी नीचे grow कर रहा है and wanted to be nice and flat. So here we go prune that one off. ये रूट इनवर्ड ग्रो कर रहा है एक, उसको हम लोग कट कर देंगे. ये रूट काफी लंबा ग्रो कर रहा है एंड इट्स आल्सो गेटिंग बेंट फ्रॉम ऑल द प्लेसेस. सो वी डोंट वांट एनी बेंड्स हियर. सो इसको हम लोग राइट यहाँ पे कट करेंगे. देन वी हैव दिस रूट व्हिच इज अगेन टू बिग. सो इसको भी हम लोग इन दोनों रूट्स को एक साथ ही प्रून कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे. एंड एक थोड़ा सा फाइनल प्रोफाइल प्रून देना होगा लास्ट में. जस्ट ऑल दिस रूट्स ऑफ, एक प्रोफाइल प्रून देते हैं ऑल द रिमेनिंग रूट्स ताकि दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर शूट्स. सो देयर वी गो, हियर वी हैव दिस ट्री. इसको हम लोग ऐसे ही ग्रो करने देंगे. एक एक रूट ऐसे साइडवेज ग्रो कर रहा है एंड वी लाइक टू कीप दैट वन ऑफ. आई थिंक रखेंगे वैसे. लेट्स सी हाउ दे फिट इनसाइड द पॉट. दोनों ट्रीज एक ही पॉट में होने वाले हैं लाइक दिस मोस्ट प्रोबेबली. लेट्स सी, दे लुक गुड आई थिंक सो. सो लेट्स टेक अ पॉट. टेबल काफी गंदा हो गया है. लेट मी क्लीन द टेबल फर्स्ट. So we'll use this brand new green color pot which looks amazing for this ficus tree. And इसमें हम लोग दोनों trees को place करने वाले हैं. Now we have to decide the front of this tree. It's a very interesting choice because इस tree को बहुत सारे branches हैं. So we have got a nice opportunity to work on a good front for this tree, guys. So let me think on that. ओके, सो दिस वन लुक्स गुड टू मी. सो एक बार आपको भी दिखा देता हूँ इसका व्यू, हाउ दिस विल लुक आफ्टर प्लांटिंग. बट यहाँ पे थोड़े रूट्स हैं, दे आर कॉजिंग अ बिट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन टू माई चॉइस. सो आई थिंक आई शुड बी प्रूनिंग दिस वन ऑफ. थोड़ा हम लोग प्रून करेंगे उनको, नॉट कम्प्लीटली बट एटलीस्ट जो रीजन बाहर जा रहा है उसको प्रून करेंगे थोड़ा. सो हियर वी गो. Okay, let's see now. Looks good. चलिए आपको इसका एक व्यू दिखा देता हूँ मैं फ्रॉम वेरी वाइड एंगल कैमरा से. क्या ऐसा दिख रहा है ट्री? लुक्स गुड इजंट इट. साइडवेज ब्रांचेस भी देखने को मिल रहे हैं, नो आई पोकिंग ब्रांचेस. Fits nicely in the pot. See it from all angles. Center में भी है. Yeah, looks in the center. It's all good. I think we can get this one planted like this.
गाइस, चलिए फिर थोड़ा सॉइल ऐड करते हैं, एक लेयर, एंड देन विल प्लेस द ट्री लाइक दैट। सॉइल मेरे पास थोड़ा कम है आज, लेट्स होप इसमें फिट हो जाए रॉइस। लेयर ऑफ सॉइल ऐड कर दिया है एंड ऊपर एज वी डिसाइडेड टू प्लांट दिस वंस ऑफ हियर। So I'm putting more soil now. थोड़ा सॉइल कम पड़ गया है, सो आई विल हैव टू प्रिपेयर मोर सॉइल एंड वो सॉइल होने के बाद आई विल पुट दैट सॉइल इन दिस पॉट। बट अभी के लिए विद हैव टू एडजस्ट विद दिस मच सॉइल फॉर नाउ। इसको थोड़ा सा हम लोग एयर पॉकेट्स रिमूव करेंगे, विल वाटर इट नाइसली एंड देन शाम को या कल सुबह आई एड मोर सॉइल इनटू इट। सो हियर वी गो। सो दैट्स इट गाइस, आई नो कि थोड़ा सॉइल कम पड़ गया, बट घर जाते ही मैं इसमें थोड़ा और सॉइल ऐड कर देता हूँ। आई हैव टू प्रिपेयर सम मोर सॉइल, सो एक दो कटोरी भर के सॉइल इसमें मैं ऐड करने वाला हूँ। फॉर नाउ वी शुड बी गुड विद दिस ट्री, आई विल वाटर दिस एंड वी आर रेडी टू गो। सो लेट्स वाटर दिस ट्री फर्स्ट। दैट्स इट। सो बिफोर वी क्लोज द वीडियो, एक बार इस ब्यूटीफुल सनसेट में आपको इसका व्यू दिखा देता हूँ ट्री का। इट्स ग्रोइंग टू बिग ऑन वन साइड आई थिंक। ये जो राइट साइड है ये काफ़ी डोमिनेटिंग लग रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रो कर रहा है, सो आई थिंक आई शुड बी प्रूनिंग दैट ऑफ। सो जस्ट एक ब्रांच यहाँ से निकल रहा है, सो आई कीप दैट ऑफ। आई थिंक लेट मी थिंक इफ यू कैन जस्ट रिमूव दी, यहाँ पे प्रूनिंग करता हूँ उसको, एक और ब्रांच में रखता हूँ। आई एम गोइंग टू रिमूव दिस रीजन, ऐसे दैट्स इट, वी आर गुड विद दिस। सो गाइज, एज प्रोमिस्ड, वीडियो के एंड में हम लोग कुछ अपडेट्स कवर करेंगे। एंड आज के अपडेट में सबसे पहले है ये जूनिपर ट्री जिसके ऊपर हम लोग ने काम किया था इन द प्रीवियस वीडियो, एंड ग्लैड टू सी दैट इट हैज सर्वाइव्ड। अभी तक डोंट सी एनी साइंस ऑफ स्ट्रेस। और जनरली क्या होता है, जब भी जूनिपर रिपोर्टिंग करते हैं तभी उसका फूलेज जो है वो हार्ड होने लगता है, क्रिस्पी होने लगता है एंड स्टार्ट्स टू ब्रेक। नो साइंस ऑफ दैट राइट नाउ, लुक्स लाइक इट हैज सर्वाइव्ड दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन। हालांकि बीच में एक दिन इट हैड टॉपल्ड ओवर बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड्स,
उसका इट हैड टॉपल्ड ओवर एंड पूरे रूट्स बाहर आ गए थे. सो आई हैड टू डू द रिपोर्टिंग. आई डोंट नो कितने टाइम के लिए वो उस कंडीशन में था, बट आफ्टर द रिपोर्टिंग आई थिंक इट हैज सर्वाइव्ड. एंड अगर ये सर्वाइव कर भी जाता है तो वी विल हैव टू कट इट, क्योंकि ये इतना लोड उठा नहीं पा रहा है. इट्स नॉट एबल टू बैलेंस दिस मच अमाउंट ऑफ लोड. बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ चाहिए उसको, बट ये पॉट शालो होने की वजह से इट्स नॉट एबल टू टेक दैट मच लोड. सेकेंड ट्री इन आवर अपडेट इज राइट बिसाइड्स इट, जो कि है सिल्क ऑर्किड या फिर बहुनिया ट्री. इसके ऊपर भी हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में काम किया था, रिपोर्टिंग किया था. एंड यू कैन सी ऑल द न्यू ग्रोथ्स कमिंग इन फ्रॉम हियर हियर. एंड जो टॉप पोर्शन है द लीडर्स दे आर ग्रोइंग वेरी वेरी टॉल. आप देख सकते हो इतने सारे लीव्स आ गए हैं जस्ट 2 वीक्स में गाइस. 32 वीक्स हो गए हैं इसको रिपोर्टिंग करके. एंड यू कैन सी ऑल द न्यू लीव्स कमिंग अप. एंड बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है अपने को इस ट्री में. Wasn't expecting this much. And इसके बाजू में है ये कैलिस्टमिनन ट्री. This one sadly could not survive. So I don't know the reason. I think most probably because of the pests. It had produced new shoots. आप देख सकते हो कि reporting के बाद इसने और भी नए shoots produce किए थे. But maybe because of some pests like inchworms यहाँ पे काफी सारे आते हैं. So वो खा जाते हैं. जो trees healthy नहीं होते उनको पहले target करते हो. So because of that, I think we have lost this particular tree. कैलिस्टमिनन ट्री बहुत खूबसूरत ट्री है. इस क्लाइमेट का नहीं है, आई थिंक थोड़ा सा ठंडे क्लाइमेट में ग्रो करता है, बट वी वर ट्राइंग टू ग्रो दैट. नो प्रॉब्लम, विल गेट इट सम अदर डे, विल गेट अ न्यू ट्री फॉर इट्स रिप्लेसमेंट. सो दैट्स ऑल इन आवर अपडेट. बट ग्लैड टू सी कि बोनिया ट्री एंड जूनिपर ट्री दे हैव मेड इट नाइसली. एंड नेक्स्ट इन आवर अपडेट इज द पाइन ट्री. इट्स डूइंग गुड. Except it has survived for the first time, I don't believe pine tree ne survive kiya hai. Uske baju mein hai this mangosteen tree, also has survived, doing good. And for a quick update yahan pe aapko dikhana chahunga beautiful flower. Isko bahut acha fragrance bhi hai, kamini tree hai ye. It has produced very nice flower with very good fragrance. And all the remaining trees, they're all doing good. So guys, that's all for today from myself Purun. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा. एंड मेक श्योर यू कीप योर सेल्फ सब्सक्राइब टू तिलाल बोनसाई. स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, ईट हेल्दी, कीप लिफ्टिंग वेट्स, स्टार्ट प्लांटिंग ट्रीज एंड मेक द नेचर अ ग्रीन प्लेस टू लिव इन. गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे.